नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, थारपारकर नस्ल की सबसे अच्छी गायें आप ये देख सकते हैं 580। सर टोटल नाम, पूरा नाम क्या है इसका 580 का? इसको हम कुंती कहते हैं वैसे, अच्छा घर में, पर जो नंबरिंग के हिसाब से जो चांदन फार्म से हम लाए थे तो इसका 580 नंबर गाय का नंबर है, इसलिए इसको 580। ये 580 नंबर की गायें थारपारकर नस्ल की सबसे अच्छी मिल्किंग रिकॉर्ड इसका है। अभी तक भारत के अंदर इसका मिल्किंग रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। सर रिकॉर्ड कितना है इसका? इसका रिकॉर्ड अगर पर डे मिल्किंग में देखें तो 24.5 लीटर है, और जो साइंटिफिक वे में देखते हैं पूरा ईयरली रिकॉर्ड तो 4,909.6 लीटर इन 350 डेज, और जो 305 दिन के रिकॉर्ड में 4,646 लीटर इसका दूध है, जो अभी तक थारपारकर नस्ल में सर्वोत्तम है, और 24.5 लीटर इसका हाइस्ट दूध है। तो इसकी जो माताजी का दूध, वो भी उन्होंने भी एक टाइम में जो किसी भी देसी नस्ल के गाय में रिकॉर्ड के अंदर 14.5 लीटर दूध दिया था इनकी जस्ट माता जी, 420 नंबर गाय कहते हैं उनको, चांदन फार्म में ही है, उसका देहांत हो गया उनका तो भी, पर सबसे शांत गायों में जो आप ब्राह्मण 200 देख रहे थे वो भी इन्हीं का ही बच्चा है, और इनकी बहुत सुंदर सी बच्ची ऐश्वर्या जो आज सभी ज़्यादा थारपारकर नस्ल में ट्रोल हो रही है, ऐश्वर्या वो भी यहीं पर अभी आपको दिखाएंगे ऐश्वर्या को, अभी 7 महीने में भी बहुत सुंदर सा, मतलब नजर न लगे भगवान करे, पर बहुत सुंदर। सर इसके बारे में बताइए कि ये जो कुंती है इसकी उम्र कितनी हुई है अभी? साल 2000 का जन्म है साहब, और उम्र इसकी गोमाता की अभी 19 वर्ष है, अभी हम बिल्कुल सेवा कर रहे हैं इनकी, और बिल्कुल माँ की तरह प्रेम और वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो सर इसका रिकॉर्ड जो है क्या अभी मतलब कि किसी ने तोड़ा है या नहीं तोड़ा इसके रिकॉर्ड पे कोई? तो हमारे ध्यान में तो नहीं है विशेषतः, पर हाईएस्ट में अभी तक जो रिकॉर्ड या जो सीमन वगैरह आ रहे हैं उनके हिसाब से भी देखें तो रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा अभी तक इन्हीं का ही चल रहा है अभी, इसके अलावा कोई। और कितने बच्चे ले चुके हैं सर इससे, कितने बच्चे इसके हो चुके हैं? एक गोमाता है अभी हमारे पास में, क्योंकि ज़्यादा ये उम्र हो गई भी इस गोमाता को परेशान करने का हमने सोचा नहीं। और अभी कितने बच्चे ये हो चुके हैं? अभी 13वां बच्चा जो ऐश्वर्या है, अभी 13वीं बच्ची है इनकी। अच्छा, 13वीं बच्ची है अभी। तो सर ये बताइए कि ये जो कुंती है ये आप वहाँ से लेकर आए तो कब आप लेकर आए इसे, जब कितने दिन हो गए आपको आपके पास? पहले तो नंदी लाए थे उस, इनको गोमाता को हो गया लगभग 1.5 साल 1.5 साल के लगभग हो गया लाए हुए, 1.5 डेढ़ साल हो गया। तो यहाँ पे आपने इसकी कोई बच्चा लिया या आपने नहीं लिया? अभी जो ऐश्वर्या है वो इनकी बच्ची, वो एक ही आपने लिया है, वो वहीं से ज्ञापन होके ज्ञापनी थी और वहीं से आई थी, और उसके बाद में होती वो धन्य है कि भाई हमें इतनी अच्छी गोमाता मिली, क्योंकि ज़्यादा उम्र की गाय किसी भी ब्रीडिंग सेंटर से कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता, पर इनके लिए स्पेशली हमने जैसे ही हुआ हमने जाके कोशिश की और मिल गई हमको, धन्य है हम। तो सर अभी ये दूध दे रही है या नहीं दे रही है? अभी लगभग 2-2.5 लीटर दूध है टाइम का, और इनका जो इस लैक्टेशन में हाईएस्ट दूध रहा वो हमारे यहाँ पे 16-16.5 लीटर तक रहा है। 16.5 इतनी उम्र के बावजूद भी दूध होना, जबकि देसी गायों में 10-11 लीटर ही दूध होता है इस टाइम पे। लैक्टेशन में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाईएस्ट पीक लैक्टेशन 4th, 5th, 6th, 3 चलते हैं, उसके बाद में डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उससे गोमाता की क्षमता पता चलती है कि भी इनकी क्या क्षमता है। तो सर आप इससे अब बच्चे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या ये आप इसे कि ऐसे ही ये पले यहाँ पे? नहीं, अभी 19 वर्ष की उम्र है और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है गोमाता को, तो जो सेवा हम एक माँ की तरह कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं अभी, तो अभी विचार नहीं है, फिर अगर तबीयत इनकी सही रही और चीज़ें सब अनुकूल परिस्थितियाँ रही तो अच्छे सीमन का उपयोग करके कोशिश करेंगे, ताकि अच्छी गोमाता है तो इनके अच्छे रिजल्ट के रूप में 1-2 बच्चे और मिले तो समाज का और सबका भला हो, और उनसे और ज़्यादा ऐसे ही नस्ल जब फैलेगी तो किसान भी अगर 10-10 लीटर की गाय उनके पास में खड़ी रहे तो हर किसान भी आसानी से पालेगा। तो सर हमें एक और चीज़ बताइए कि ये अपने आप में इकलौती ऐसी गायें हैं, बहुत अच्छी आप इसे बोल सकते हैं, शायद ही बड़ी मुश्किल से ऐसी मिले, लेकिन अगर कोई ऐसी गायें चाहता है या ब्रीडिंग पे ध्यान करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? क्या 1 साल के अंदर ही कोई ऐसी गायें बना सकता है, मतलब कि उसका जो ब्रीडिंग कर, या इसमें कितनी मेहनत है आप हमें ये बताइए? टाइम तो लगता है वैसा, पर जो हमने चीज़ें देखी है कि हम बछड़िया लाए थे अलग अलग जगह से, फिर इनके बच्चे जो ब्राह्मण 200 उनसे बच्चे लेने की कोशिश भी की, तो हमें जो फर्स्ट लैक्टिस में उन बछड़ियों से दूध मिल रहा है वो अभी 6-7 लीटर तक टाइम का दूध मिल रहा है, तो जो जनरल बछड़िया थी हमने सिर्फ ब्रीड कैरेक्टर देख के ली थी, और ऐसा कोई स्पेशल उनका रिकॉर्ड हमारे पास में अवेलेबल नहीं था, उन बछड़ियों का भी पहले लैक्टेशन में 7-7.5 लीटर तक भी दूध गया है, तो यानी उनकी क्षमता 9-10 लीटर तक है। तो नॉर्मली भी जब फीडिंग सिस्टम, सबसे पहला तो जो खाई गई, जो हमारे यहाँ भी मारवाड़ी में कहावत है कि जो ओडी में वो बाल्टी में, मतलब जो आप खिला रहे हो वो आपको दूध में मिलेगा,
तो वो चीज़ विशेषता है कि भी जो आप खिला रहे हो, तो हमने शुरू से ही बछड़ियों को लाने के बाद 2 साल तक उन पर ध्यान दिया, उनका फीडिंग सिस्टम वगैरह सही रखा। आपको फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियाँ मैं दिखाऊंगा जो प्रेग्नेंट हुई और जिनसे हमें ब्राह्मण 200 के बच्चे मिले हैं, और उनका दूध भी 6 से 8 लीटर तक टाइम का दूध मिल रहा है। तो यानी इस ब्रीड में क्षमता तो है, फीडिंग मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जब मैनेज होगी तो आपको दूध और रिजल्ट तो पक्के ही मिलेंगे। तो सर हमें ये और बताइए कि ये आपने यहाँ पे बच्चे, आप इनके जो अभी तो इसकी ऐश्वर्या है, आप कितने महीने की बता रहे हैं ऐश्वर्या, कितने दिन की? लगभग सात महीने की। अगर कोई ऐश्वर्या को लेना चाहता है तो आप उसे मतलब कि ऐश्वर्या को खुद रखने के लिए, या अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप दे सकते हैं? देखिए सर, इस विषय के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रेट नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी भी शान होती है और आपको एक लगाव होता है और आपने एक मेहनत करके कुछ चीज़ को तैयार किया है, तो उससे तो आप किसी भी कीमत पर किसी को भी देना नहीं चाहेंगे। तो वैसे, और वैसे हमारे यहाँ से हम हिपर्स और फीमेल अभी तक हम दे नहीं रहे, तो जैसे मेल काफ हमने काफ़ी गाँव में दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स को भी हमने दिए हैं, तो गाँवों के लिए विशेषतः हम सुविधा कोशिश कर रहे हैं कि भी अच्छा संवर्धन और चीज़ें शुरू हो। तो एक पाली ज़िले में एक दो गाँव में भी और विशेषतः शुरू करेंगे, जो बछड़े तैयार होंगे वहाँ जाएंगे और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिले और गांव-गांव में ऐसी नस्ल फैले, हमारी विशेषतः कोशिश ये रहेगी। क्योंकि जब इस काम के अंदर आए तो एक स्वार्थपूर्वक रूप में ना आए, स्वार्थ तो चलो घर चलाने के लिए हर व्यक्ति का होता है और चलाना भी चाहिए, उसके बिना चलता नहीं है, पर विशेषतः ये है कि भी उस स्वार्थ को भूल के और एक पॉजिटिव 50% भी समाज हित की और बाकी बातें सोचे, तो ये गोमाता हर जगह इस तरह की नस्ल की अच्छी गाय जब फैलेगी और गांवों में अगर 6-7-8 लीटर की गाय भी टाइम पे दूध देने वाली मिलेगी, तो किसान की जीविकोपार्जन और वो सारे सिस्टम बढ़ेंगे। तो जब जीविकोपार्जन बढ़ेगी तो डबलिंग द फार्मर इनकम, और जो बड़े बड़े नारे लग रहे हैं वो सारे नारे मैं तो हमेशा मीटिंगों में भी कहता हूँ कि जो डबलिंग द फार्मर इनकम और वो सारी चीज़ें यहीं से शुरू होगी। तो मतलब कि अभी आप जो बछियां हैं वो नहीं दे रहे हैं, बछड़े जो हैं आप उनकी ही, अभी अगर कोई लेता है तो आप उन्हें ही देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा ये कुंती, सर नंबर क्या था? 580 नंबर है कुंती, 580 नंबर है जहाँ से सर लाए थे। अभी तक की थारपरकर नस्ल की सबसे हाईएस्ट मिल्किंग आप बोल सकते हैं ये गायें हैं। आप देखिए, शायद आपने ऐसी गायें पहले कहीं ना देखी हो। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इस गाय के बारे में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें हम आपको और डिटेल से जो भी आप जानकारी मांगेंगे वो आपको देंगे। तो ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। एक बात और कहूँगा भाई साहब, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या बिगाड़ने में श्रेय हमारा सबका ही है, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, उसके लिए किसान भी जिम्मेदार है, उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार, मीडिया वाला कहो, प्राइवेट कहो, हर व्यक्ति। जब हम बिगाड़ने में जिम्मेदार हैं तो सुधारने के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। वो सुधारने के लिए भी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस बढ़ाए, फीडिंग का सिस्टम का ध्यान रखें, और जितनी अच्छी हो सके अच्छी नस्ल की गाय मिले वो विशेषतः हम ध्यान दें। तो किसान भाइयों, यही थी हमारी भारत जी से बात। तो यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।